नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल की अगली क्लास, जिसमें हम बात करेंगे महासागरों की, नदियों की, झीलों की, समुद्री मार्गों की आदि आदि। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा जिला भी है। और कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने घर रुकें, बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वायरस रुक नहीं रहा है अभी। और जितना हम सोशल एनवायरनमेंट से बचेंगे उतना बेहतर रहेगा, ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। और अधिक समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं भूगोल। ठीक है, तो पहला वर्ड है, जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है लवणता। लवणता क्या होती है? लवण माने होता है नमक। सीधी भाषा में बात करें तो नमक की अधिकता किसी भी चीज में लवणता कहलाती है वैसे। ठीक है ना, समुद्र के तौर पे बात करें तो समुद्र के अंदर जो अशुद्धियां है ना, वो उसकी लवणता कहलाती है। जो उसके जल में अशुद्धियां हैं वो उसकी लवणता कहलाती है। और सोडियम क्लोराइड इसका मुख्य घटक है, जिस कारण से समुद्र में लवणता होती है। समुद्रीय सोडियम क्लोराइड को सुखाकर क्रिस्टलीकरण द्वारा हम खाने का नमक बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा, इसकी जो ppm है, पार्टिकल पर माइक्रोन जो है वो है 35-35 या 3.5% इसकी मतलब उपलब्धता है पानी के अंदर। अच्छा, अगला दो स्थिति और है। किसी भी सागर या समुद्र की जो लवणता है ना, उसकी अक्षांशीय स्थिति पर भी डिपेंड करती है कि वो किस अक्षांश पर अवस्थित है। अगर वह भूमध्य रेखा पर अवस्थित है तो उसकी लवणता कम होगी, और अगर वह और अलग ऊपर की तरफ अक्षांशों की तरफ बढ़ते अक्षांशों की तरफ चला जाएगा तो लवणता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बात करूं कि भूमध्य सागर है जिसकी लवणता अधिक है, क्योंकि उस पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वहां इसलिए अधिक है। और एक अरब सागर है तो उसकी लवणता इसलिए अधिक है क्योंकि वहां वाष्पीकरण कम होता है, वाष्पीकरण की उच्चता कम है इसलिए। तो वो इसलिए कि वो किस अक्षांश पे स्थित है, इस कारण से ऐसा है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा, जितनी नदी निकासी जिस सागर में ज्यादा होगी उसकी लवणता उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस कारण से भी एक लॉजिक है कि जिनमें नदियां ज्यादा आके गिरती हैं सागरों में, उनमें लवणता कम होती है, नमकीन उनका पानी कम होता है। अगला एक पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा, आइसोहेलाइंस क्या होती हैं? तो दो समुद्रों की लवणता को समानता देने के लिए, मापने के लिए काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें आइसोहेलाइंस बोलते हैं। लिखा है काल्पनिक रेखाएं जो समुद्र के समान खारेपन को दर्शाती हैं। मान लो दो समुद्र हैं, उनके खारेपन को दर्शाने के लिए रेखाएं बनाई गई हैं काल्पनिक, उन्हें आइसोहेलाइंस कहते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर दो काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है ना, अक्षांश मतलब अक्षों के बीच में अंतर, देशांतर मतलब देशों के बीच में अंतर। बात ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना, तो आप भूलेंगे नहीं। देशों के बीच में अंतर मतलब खड़ी रेखाएं, अक्षों के बीच में अंतर मतलब दोनों अक्षों के बीच में रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, कदम आगे चलते हैं कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। तो पहले नंबर पे लाल सागर है, दूसरे नंबर पे मृत सागर है जो कि जॉर्डन में है, और जॉर्डन इजराइल में है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है ग्रेट साल्ट। तो ग्रेट साल्ट एक झील है, ये भी यूएसए में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगली है कि सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तो वॉन झील जो तुर्की में है, ये सबसे अधिक लवणता वाली झील है परसेंटेज के मामले में। इसमें प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत में इसका पानी खारा है। और सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है वो कैस्पियन सागर है, जो कि क्षेत्रफल में बड़ी है। ठीक है ना, खारे पानी के क्षेत्रफल की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और प्रतिशतता में सबसे बड़ी झील खारे पानी की तो वॉन झील तुर्की। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं समुद्री मार्गों की। तो समुद्री मार्गों में सबसे बड़ा मार्ग है वो समुद्री अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है, जो कि यूएसए और यूरोप यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। और दुनिया का 1/4 ट्रेडिंग, दुनिया का 1/4 निर्यात, आयात या व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है। तो इसे दुनिया का ग्रैंड ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, जैसे जीटी रोड है ना भारत में, क्या बोलते हैं हिंदी में, वृहत्तम ट्रंक मार्ग। तो ये भी वृहत्तम ट्रंक मार्ग है। ठीक है ना, जीटी रोड को हिंदी में वृहत्तम ट्रंक मार्ग बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। ठीक है, बनवाई थी कभी ये मौर्यों ने और बाद में रिपेयर कराई थी ये शेरशाह सूरी ने। ठीक है, असली बात ये।
आगे चलते हैं, आगे की नौ परिवहन के लिए नहरें कौन कौन सी हैं। तो नौ परिवहन का मतलब है कि नौका के थ्रू माल का आयात निर्यात या नौकाओं के थ्रू व्यापार करने के लिए नहरें कौन सी हैं। तो स्वेज नहर है जो कि मिस्र में है, पनामा है जो कि, ये दोनों नहरें हैं पनामा और स्वेज नहर, ठीक है ना। और सबसे खास बात यह है कि दोनों नहरें मनुष्य निर्मित हैं, कृत्रिम नहीं है, मानव ने इनको बनाया है और पूर्व व पश्चिम विश्व को जोड़ती हैं, मतलब पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व दोनों को जोड़ने का काम करती है नहरें, ठीक है ना। स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 1869 में बनाई गई थी और इसके जो बनाने वाले थे वो फर्दीनंद लेस्पस थे। और इसका जो नॉर्थ पोर्ट है, एन से मैंने नॉर्थ बताया स्पेस कम होने की वजह से, आप समझिए, आप लिख लीजिए कहीं पे पेपर पेन ले लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ पोर्ट साइप है और साउथ पोर्ट कुछ स्वेज के नाम से है, ठीक है। अगला है कि भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। इसकी जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है स्वेज नहर की, ठीक है। अगला है कि ग्रेट विटर लेक, लिटिल विटर लेक और टिमसा, ये तीन ऐसी लेक्स हैं जो इस नहर के सहारे हैं, ठीक है ना। इस नहर के किनारों पर पाई जाने वाली जो लेक्स हैं वो ये हैं। अगला क्या है कि इसको ना समुद्र तल पर बनाया गया है, जहां पे समुद्र का तल है उस तल पर इस नहर को बनाया गया है। और विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, विश्व में सबसे अधिक जहाज इसी नहर में चलते हैं, ठीक है। अगली नहर है हमारी पनामा। पनामा जो है वो 72 किलोमीटर लंबी नहर है और 1914 में इसको बनाया गया था। अटलांटिक व प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है और समुद्र जल स्तर से ऊपर इसका, मतलब जैसे इसका निर्माण समुद्र स्तर पे किया गया ना, तो इसका निर्माण समुद्र जल स्तर से ऊपर किया गया। दूसरा ना जलपाशय ब्लॉक लेवल, ब्लॉक एक चीज होती है, लॉक पद्धति है एक, उसे प्रयोग कर दिया है कि जहां कहीं जहाज को ज्यादा ऊपर उठाना हो वहां पानी ज्यादा कर दो और जहां कहीं जहाज को नीचे करना हो वहां पानी कम कर दो। ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो इसमें इस्तेमाल होती है इस नहर में, किसमें, पनामा में। किसके नाम से, लॉक पद्धति, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, एक पोर्ट तो किस्ताबोल है, दूसरा पोर्ट बगबाओ है, ठीक है। इसके बाद पनामा एक नहर 2014 में भी हुई है, बनी है, जो जिसके दोनों सिरों पर, एक पे ब्रूटो और एक पे ब्यूफील्ड, दो इसके पोर्ट हैं जो 2014 वाली पनामा है, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक जलमार्ग की, ठहरी उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ झीलों की और कुछ नहरों की और कौन कौन सी नहरें कहां कहां पर अवस्थित हैं। तो एक सू नहर है जो सुपीरियर व ह्यूरन झील है, इन दोनों के बीच में लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन, इन दोनों को जोड़ती है सू नहर, ये भी एक तरह का नौ परिवहन नहर है। अगली है अल्बर्ट, तो अल्बर्ट नहर कहाँ पे, ये अल्बर्ट नहर बेल्जियम में है, ठीक है, यहाँ पे भी इसमें जो है व्यापार के लिए काम आती है। तो सू नहर और वेलाई जो है दोनों यूएसए में है, एक है नीरीलैंड और डॉर्टमंड डैम्स, ये दो नहरें जर्मनी में हैं। तो ये इसलिए लिख दी थी मैंने कि मैं आपको स्पेस जो था मैं इसे यूटिलाइज कर सकूं, और कोई बात नहीं है। आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा फिर सही से, या दोबारा आपको पढ़ा दूंगा, दोबारा डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे दूंगा जिससे आपको पीडीएफ मिल सके पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक जलमार्ग की, तो आंतरिक जलमार्ग में एक नदी है राइन नदी, जो जर्मनी से नीदरलैंड की ओर बहती है, जर्मनी से नीदरलैंड तक इसका रास्ता है। और नीदरलैंड का जो है रोटरडम से स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर तक का एरिया है जिसको ये बहती है, जिसको ये कवर करती है, मतलब जो ये जलमार्ग है, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग मतलब, ठीक है ना, इंटरनल पूछ रहे ना, तो विश्व का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला आंतरिक जलमार्ग ये है। अगला है डेन्यूब, तो डेन्यूब नदी जलमार्ग जो पूर्वी यूरोप को सेवाएं प्रदान करता है और इसका जो उद्गम स्थल है वो ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट के जलमार्ग। अगला क्या है वोल्गा, तो वोल्गा रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, मतलब वोल्गा नदी का जो जलमार्ग है, ठीक है, तो वोल्गा का जलमार्ग रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आगे चलते हैं, बंदरगाह कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं। तो बंदरगाह पहले बताता हूँ सामान ढुलाई के आधार पर कौन सा बंदरगाह है। तो सामान ढुलाई के आधार पर सबसे पहले नंबर पर शंघाई है जो कि चीन में है, फिर सिंगापुर है, उसके बाद ताइनाडीन है जो कि चीन में है, उसके बाद रोटरडम है जो नीदरलैंड में है।
ये 1, 2, 3, 4 ये सीरियल वाइज है। अगला कंटेनर क्षमता के आधार पर, किस जगह पे कंटेनर ज्यादा रखे जा सके हैं उसकी क्षमता के आधार पर जो इसका वो है, वो पहले नंबर पे शंघाई है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है और तीसरे नंबर पे रोनझेन है जो कि चीन में ही रोनझेन भी। अच्छा प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, एक तो पोर्ट डायमंड है, इसको पोर्ट नेथोल भी बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, पोर्ट नेयोल सॉरी, इसको पोर्ट नेयोल बोलते हैं साउथ अफ्रीका में है ये। अगला है अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, अलेक्जेंड्रिया दरअसल सिकंदर के नाम पे नगर बसाया गया, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके दो नगर बसाए गए, एक उसके घोड़े के नाम पे बुकाफेल और एक खुद सिकंदर के नाम पे अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र में स्थित है जहां उसकी मृत्यु हुई अलेक्जेंड्रिया में, ठीक है ना, तो ये वही अलेक्जेंड्रिया है जहां पे फेमस है। अगला है सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह है जो कि अब ब्राजील में है, इसको कॉफी बंदरगाह भी बोलते हैं, ब्राजील में एक जगह है गाना और गाना की कॉफी सबसे फेमस सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आगे शुरू करते हैं झीलें क्या हैं, तो ये कुछ झीलें हैं, मैं इनकी लिस्ट बनाकर ऐसे ही पढ़ा सकता था क्योंकि झीलें हुई, महासागर हुए, देशों की जनसंख्या हुई, अगर मैं इनकी लिस्ट बना के आपको पढ़ने लगूं तो आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आया क्या पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप लोग अपनी किताबों का सहारा लें इन्हें पढ़ने के लिए, जो बेसिक है उसे मैं पढ़ा दूंगा और ये जो चीजें ना लिस्ट वाइज जो सीरियल लिस्ट है इसे आप खुद पढ़ें तो बहुत बेहतर रहेगा, अन्यथा वैसे मुझे भी पता है कि मैं इनको भी पढ़ाने वाला हूं, आप एक बार अभी पढ़ लेंगे दोबारा कभी नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखता है, नहीं मुझे जितना पता है, पर ये क्वेश्चन आते हैं क्या करूं, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो प्लीज शुरू करते हैं। एक झील है टिटिकामा, ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंची झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील है ये टिटिकामा जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर, इसको आंतरिक सागर भी बोलते हैं, ये क्षेत्रफल में, आयतन में और खारेपन में विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, ये तीनों चीज को साथ एक साथ मिला करके। अगला है कि मृत सागर, तो मृत सागर ना सबसे नीचे झील मानी जाती है और भ्रंश घाटी झील है। भ्रंश घाटी क्या होती है, भ्रंश घाटी ये होती है कि कोई एक पहाड़ी क्षेत्र या कहीं भी एक समतल जगह अगर किसी जगह से दब के नीचे खिसक जाती है तो उसे भ्रंशन बोलते हैं, उसमें भरे हुए पानी को भ्रंश, उस नीचे वाली घाटी को भ्रंश घाटी बोलते हैं और पानी भर जाए तो भ्रंश झील बोलते हैं, उससे निकल कोई नदी जाए तो उसे भ्रंश घाटी नदी बोलते हैं, ठीक है, भ्रंशन मतलब टूट के वो हिस्सा नीचे दब जाना, तो मृत सागर सबसे नीचे झील है और भ्रंश घाटी बनाती है। वैसे इस समय अगर सबसे नीचे स्थान की बात की जाए तो आर्कटिक में एक सबसे नीचा स्थान ढूंढा गया है, ठीक है। अगला है कि विक्टोरिया, तो विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, इसको अगली है बैकाल झील, बैकाल झील साइबेरिया में रूस में है और विश्व की सबसे गहरी झील है, इसे साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है और सबसे प्राचीनतम झील है बैकाल झील, ठीक है ना। अगला है कि टांगानिका, टांगानिका विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है जो अफ्रीका में है, ठीक है। अगली है अराल सागर, अराल सागर एक स्थलबद्ध झील है, स्थलबद्ध झील, इसे दो नदियां गिरती हैं इसमें, उनका नाम है सरदरिया और आमूदरिया। स्थलबद्ध का मतलब होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई हो, तो इसका पानी कहाँ से आता है, तो दो नदियां हैं सरदरिया और आमूदरिया, वो आके इसमें गिरती हैं, इसका पानी पूरा रहता है। अगला है क्या, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा इस स्थलबद्ध झील यानी कि अराल सागर से लगती है, ठीक है। अगला है कि कंस्टांस झील, तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीन देशों में ये झील स्थित है, इन तीन देशों में बैठती है झील, तो इस हिसाब से कंस्टांस झील का मतलब सवाल आना कॉमन हो सकता है कि कौन सी ऐसी झील है जो तीन देशों में अवस्थित है, तो कंस्टांस झील है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित झीलों को ना ग्रेट लेक्स कहा गया है, कुछ झीलें हैं अमेरिका की जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा गया है, उनके नाम लिखे गए हैं सीरियल वाइज, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, इनको वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर ने मैंने लिखा है, तो वो है सुपीरियर मिशिगन यूरी ईरी इंटीरियो, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरान ईरी ऑन्टेरियो, ठीक है ना। लेकिन एक बात इसमें ये है कि जो ऑन्टेरियो नदी है ना ये अमेरिका और कनाडा दोनों, सॉरी जो ऑन्टेरियो लेक है, झील है, वो कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों में अवस्थित है, इसलिए दोनों में गिनी जाती है, ठीक है। अगला है कि अंगुली नुमा झील, मतलब उंगली के आकार की झील कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है अमेरिका में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो कनाडा की प्रमुख झीलें बेयर, स्लेव, विनिपेग, ऑन्टेरियो, अथाबास्का, रेंडियर और मल्नीतोवा। तो ये आ गया ना ऑन्टेरियो, तो ऑन्टेरियो यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ऑन्टेरियो कनाडा और यूएसए दोनों जगहों में अवस्थित है ऑन्टेरियो। ठीक है, तो आज के लिए ये सब डाटा तो ज्यादा है दिखने में लेकिन पढ़ाने में इतना नहीं है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आगे जो टॉपिक अगर वैसे हैं तो यहाँ शायद आज हमारा विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आगे लिस्ट वाइज टॉपिक है किस देश का खनिज कितना है, किस देश की फसल कितनी है, ये क्या है वो क्या है, तो उसे अगर आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा तो आप उसे वहाँ से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो अतः अगर बात करूँ कि थ्योरेटिकल भूगोल की, तो थ्योरेटिकल भूगोल यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जो भूगोल है वो आंकड़ों वाला भूगोल है, जिसे आप स्वयं पढ़ें तो बेहतर रहेगा, बाकी तो इसमें कम से कम 10 क्लासें चली जाएंगी और भूगोल खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो विश्व भूगोल की अंतिम क्लास है आज, उसके बावजूद भी अगर मुझे कुछ मिलेगा तो इसके बाद एक क्लास और बनाऊंगा भूगोल की, वो लास्ट क्लास होगी विश्व भूगोल की, उसके बाद शुरू करेंगे हम अपने भारत का भूगोल। ठीक है, आप सभी से निवेदन है मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट्स लिखिए मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, और जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जब तक जिंदगी है तभी तक सब कुछ है, और पढ़ते रहिए ताकि आप जब बाहर निकलें एग्जाम के लिए तो आप एग्जाम पहली बार में क्रैक कर पाएं, आपकी मेहनत रंग लाए। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, धन्यवाद।